पायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस। सो आज मैं हूँ तुंगनाथ, और तुंगनाथ मेरे राइडिंग के सफ़र में सबसे हैक्टिक राइड हुई। मुझे तुंगनाथ पहुँचने में लगे, पानीपत से मैं चला था और तुंगनाथ में पूरे 24 घंटे में पहुँचा। 24 घंटे 400 किलोमीटर का ये सफ़र और 24 घंटे मायने रखते, जिसमें धूल मिट्टी में लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसलिए क्योंकि स्ट्रेस लेवल फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं। जगह जगह रोड टूटे हुए थे बीच बीच में, और एक जगह तो प्योरली ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। मेरी हिमालयन की शक्ल ऐसी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं, पूरी मिट्टी में ऐसे सन सन। सो इससे पहले बाकी लोग आए, आगे चलते हैं आगे। पहले आपको तुंगनाथ के दर्शन कराएंगे, और उसके बाद चंद्रशिला ट्रैक ऊपर टॉप पॉइंट पे लेके चलेंगे। सारी चीज़ें आपको अपने इस व्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन एक शिकायत है मुझे आप लोगों से, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तावड़े तावड़े कर लो। अरे बाट ना देखो, मैं थारी रिक्वेस्ट करूँगा, यू नीचे बटन रहे इन्हें जाके प्रेस करो, और वह घंटियाँ उन्हें भी नू बजा दो, बस दुमा ठा दो। तारे भाई के सब्सक्राइबर इतने होने चाहिए, गजब। बाकी मैं वीडियो बढ़िया बढ़िया बनाता रहूँगा और ऐसे ही चमकाता रहूँगा। स्वागत है आप लोगों का तुंगनाथ के ट्रैक पे। भोले बाबा के दरबार में जाना है, तो भगवान अपने भक्तों से सेवा भाव और कुछ एफर्ट्स मांगता है। सो वो एफर्ट्स हमें भी करने पड़ेंगे। सो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, और हम सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बाकी कोलिग्स भी हैं, बट वो बार बार थक रहे हैं और बैठ रहे हैं। वो देखो यहाँ से दिखेंगे, ये आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहा है। ये क्या लिखा है जरा गौर फरमाते हैं। हाँ, चंद्रशिला का परिणाम महोत्सव, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर से चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है। ओके, जो चंद्रशिला ट्रैक है ये उसके बारे में लिखा हुआ है। सो ये यहाँ की ब्यूटी है, आप देख सकते यहाँ से ये पूरा व्यू है इसका। ये यहाँ से ट्रैक है, नीचे से आप आते चढ़ाई करते हुए। सो बाकी सब लोग थक गए हैं, तो वो रुक रुक के अपना ब्रेक ले लेके आ रहे हैं। सांस मुझे भी चढ़ रहे हैं, बट मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ बाय चॉइस, सो इतना थकान मुझे नहीं होती है, होती है, मैं भी इंसान हूँ। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे कितना प्यारा व्यू है सारा का सारा, अगर आप देखते हैं। चलते हैं आगे। वहां से वहां और वहां से वहां ऐसे चढ़ते जाना है। वो देखो ये सारे मेरे कोलिग्स जो मेरे से 2 ट्रैक यहाँ से मिस हो चुके हैं। सो मेरी उत्तराखंड वासियों से एक जो शिकायत है वो ये है,
भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत एटमॉस्फेयर दिया, पहाड़ दिए, आप सब लोगों ने ना इसकी लगा दी। ये जो होते ना ये घास जलाने के लिए, मैं जब उत्तराखंड आया हूँ जगह जगह मैंने पहाड़ों में आग लगी देखी, पूरी पूरी पहाड़ियाँ जलते हुए देखे। और ये दिल्ली वालों की देनी है ये धुआं। और ये भी मत सोचना कि ये धुंध है, धुआं है धुआं। दूर तक की पहाड़ियां जो खूबसूरत दिख सकती थी सब गंध, साफ हवा का एहसास नहीं है। तो ये दिल्ली वालों की देनी है, ये आप लोगों की देन है। आप क्यों जलाते इन घासों को, क्यों इतना धुआं किया हुआ है आपने कि पहाड़ों में आके भी सुकून नहीं है। सो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक की चढ़ाई हो चुकी है। आई गेस वो वहां पे कहीं दिख रहा है यहाँ से। आप यहाँ से अगर उधर भी देखोगे ना, उधर थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ी हुई थी उधर पीछे की तरफ। अब थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके पानी पी के तब चलूंगा, क्योंकि हालत पस्त है, पस्त। और बाबा जी मस्त मस्त। ये इस मेन मंदिर के पीछे ये भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये नहीं पता किस चीज़ का है, बट ऐसे छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो काफ़ी सारे। जय हो तुंगनाथ। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तुंगनाथ में बर्फ़ गिरी हुई है अप्रैल में, ये देखिए ये ऊपर बर्फ़ गिरी। और जो ऊपर ये जो पहाड़ से नीचे ये चूंच सी लटक रही है, देख रहे हो? ये पानी है, ये बर्फ जमी हुई है ऐसे। मैं देखता हूँ अगर मैं इसको फोकस कर पाया तो, ये देखा, वाह जी वाह जी वाह, ये सारी बर्फ है, पानी भर के ये जम गई है और टपकने से रह गई है। ऐसे ही यहाँ पे भी इनके किनारों पे भी यही सब चीजें हैं। तुंगनाथ
भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करने के बाद मैं और पीछे वालों में से एक थोड़ा जल्दी पहुंच गया, जिसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, वो मेरा भाई बाकी फिट लोगों से भी पहले पहुंच गया। अब अपन चले चंद्रशिला ट्रैक। तेरी तो लग रही है मेरे को भोले की लगी है तेरी। सो मोबाइल की बैटरी है कम, क्योंकि यहाँ पे फोन की बैटरी की ड्रेनेज है ज्यादा ऊपर चल के। देन फिर आपको चंद्रशिला के दर्शन कराते हैं। फोटो लो, फोटो एक मिनट भाई। यहाँ जगह दिक्कत है कि यहाँ से सारी बाइक और स्कूटी की चाबी सब उन्हीं के पास है। वंडरफुल व्यू, वंडरफुल। बड़े बेआबरू होके इस मंदिर तक हम पहुंचे। मजा आ गया। तो पहले भी कई बारी थे, इस कदर अब पहुंचे। आप पहली भी आए हो? मैं पहली बार आया, लेकिन मजा आ गया। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम। बताऊं, तेरा वजन ज्यादा है, तू गलत पत्थर पे बैठा है। उल्टे का नहीं, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग हुई। हाँ, उलट गया। वजन मैंने कंट्रोल किया है। उलट गया तो यार, मतलब रुकने वाला कोई सीन नहीं है। नहीं उलटेंगे, नहीं उलटेंगे। देखो यहाँ से खिसका डाला तो लाइफ झींगा लाला। फिर अपने को मत बोलना वाला व्यू नीचे का, पता लगे वीडियो में खाई कितनी गहरी है। ये देखो, ले लो, घुमा लो, देखो खाई कितनी गहरी है, वो देखो नीचे। देखिए नहीं रहा कहाँ तक जाएंगे। साउंड भी 3D आएगा। वाह वाह, शोर ज्यादा है। इस वीडियो क्लिप की क्लोजिंग करेंगे हम नीचे जाके, जहाँ पे शांत माहौल होगा। सो गाइस, ट्रैकिंग करने के बाद बहुत अच्छा समय बिताया, और ये छोड़ू अपने मित्र का बेटा, इसने भी पूरा ट्रैक पूरा किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटा तेरा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो यही कहूंगा कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं चल सकते माउंटेन एरियाज में तो आप हॉर्स लेना, वरना ये ट्रैक अवॉइड करना। जगह बहुत अच्छी है, जरूर आना। Yeah. So that's the experience by this little boy. I hope you like it. If you like it, we'll see you in next video. तुंगनाथ के दर्शन हुए बहुत ही अच्छे, हालांकि कपाट बंद थे, पर फिर भी बाहर से जैसे ही हमें मौका मिला वैसा हमने अपना काम किया और अपना सेवा भाव पूरा किया। और अब हमारी राइड हो गई है पूरी, चंद्रशिला हम लोग जा आए हैं। उसके बाद अब वापसी निकलते वक्त वीडियो को क्लोज करना है। सो
ये व्यू, इस व्यू के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा तुंगनाथ और चंद्रशिला का ये सफर। थैंक यू गाइस।